कहाँ कहाँ चोट लगा? पैर में? पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया जब बंगाल की सियासत का केंद्र बने नंदीग्राम में नामांकन के बाद चुनाव प्रचार कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले का आरोप भाजपा पर लग रहा है। हमले में ममता बनर्जी बुरी तरह घायल हो गई। ममता बनर्जी का आरोप है कि 4 से 5 लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। इस हमले में उनके पैर और हाथ में काफी चोटें आई है। इस समय ममता बनर्जी को कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में अब भाजपा ने सियासत भी शुरू कर दी है। भाजपा के नेताओं ने ममता पर हमले को सियासी ड्रामा बताया है। वहीं अब इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भी जबरदस्त जवाबी हमला किया है। टीएमसी ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं जब ममता बनर्जी की आवाज को दबाने की कोशिश की गई हो। दरअसल नंदीग्राम में पर्चा भरने के बाद मंदिर जाते वक्त ममता बनर्जी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ममता बनर्जी ने बताया कि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर उन्हें धक्का दिया जिसके बाद एक पैर पर चोट आई। नंदीग्राम में एक मंदिर के बाहर हुई इस घटना को ममता ने साजिश बताया है। ममता ने कहा कि मैं एक मंदिर में पूजा के लिए गई थी। मैं कार के खुले गेट के साथ खड़ी थी। कुछ लोग मेरे कार के आसपास आए और कार के दरवाजे के गेट को धक्का दिया। उसमें मेरे पैर पर चोट लग गई। चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कोलकाता पहुंचाया गया। ममता के दाएं कंधे, गले और हाथ पर चोट आई है। घटना के बाद उन्होंने सीने में दर्द, बेचैनी की भी शिकायत की है। ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरौलिया बाजार, बरौलिया बाजार में दीदी आप कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 चार पाँच दीदी, चार पाँच दीदी। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? वहीं इस घटना के बाद भाजपा बैकफुट पर चली गई है क्योंकि इस हमले का आरोप भाजपा पर लग रहा है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जनता की सहानुभूति के लिए ममता बनर्जी इस तरह के आरोप लगा रही है। उन्हें पता है कि जमीन खिसक गई है। वह कल चंडी का पाठ कर रही थी, आज नाटक कर रही है। ममता के चोटिल होने को लेकर भाजपा ने पुलिस और प्रशासन पर भी हमला बोला। इसी बीच ममता पे हमले के बाद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने सीएम ममता की एक तस्वीर ट्वीट की। अभिषेक ने कहा कि भाजपा अब 2 मई रविवार को बंगाल की जनता की ताकत देखने को तैयार रहना। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का इलाज कोलकाता के SKM अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक ममता बनर्जी के पैर और हाथ में चोटें आई है और वो 48 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी करेंगी। वहीं घटना को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से तत्काल रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे नेताओं ने दीदी की उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी की है। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अस्पताल पहुंचकर ममता से मुलाकात की। ममता पर हुए हमले के बाद अब लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है, लिहाजा इसका खामियाजा भाजपा को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।